ओके सो हे गाइज व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो सिंपली आप वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड तो चलिए गाइज आज की इस नई वीडियो का हम यहीं पर बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को ना ये बैकग्राउंड को पहले डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को अपने पिक्सार्ट में ओपन करके फिर उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है एंड अपने मॉडल को यहाँ पे कुछ स्टेप से आप सभी को ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड आप चाहो तो गाइस ऐसा कुछ पोज भी कर सकते हो, बाकी आप अदरवाइज आपको कोई और पोज पसंद हो इसके अलावा तो वो भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद आना आप सभी को एडजस्टमेंट सैचुरेशन पर जाना है, इसके सैचुरेशन को जो है कुछ माइनस कर देना है, एंड 77 तक कुछ रख देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कर देना है डन, ठीक है गाइस यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, एंड आप सभी को मैं एक कलर का पीएनजी दे रखा है मैंने, तो आप सभी को इस पीएनजी को लेना है। एंड उसके बाद अभी आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, आप सभी को कैसे लगाना मैं बताता हूँ। पहले आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने हैंड के पास लगाना है, एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाके पहले तो इसको यहाँ से ब्रश में जाना है, एंड उसके बाद जो फिर इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसकी हार्डनेस को कम करके एंड ओपेसिटी साइज को बढ़ा के कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से इरेज कर लेना है, एंड ओनली ऑरेंज वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा रखना है। एंड उसके बाद हम इसको रेड करने के लिए आप सभी को यहाँ से जाना है एडजस्ट में, फिर ह्यू में जाना है, एंड इसको आप सभी को हल्का सा डाउन करना है नीचे की तरफ। एंड यहाँ पे आप सभी को रेड या रेड टोन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इतना कर देना है। एंड उसके बाद थोड़ा सा साइज को जो इसको बढ़ा के रख लेना है, कुछ साइज से आप सभी को रख लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, अभी आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ से पहले तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और एरिया रह रहा है यहाँ पे तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा टाइम दे देके करना है, अच्छे से करना है बिल्कुल, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे अभी डन तो करना नहीं है, ठीक है। तो जब डन करना होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे हम ऐड फोटो में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को मैं उस पीएनजी को दोबारा लेना है, एंड आप सभी को ब्लू कलर को इस बार अटैच करना है आपको इसमें, ठीक है। तो आप सभी को कैसे अटैच करना है मैं बताता हूँ। पहले आप सभी को कुछ स्टेप से जो आपने रेड वाला भी पीएनजी लगाया उसके नीचे कुछ स्टेप्स लगा देना है, रिजर टूल में जाके सेम स्टेप वही करना है आप सभी को, हार्डनेस को कम करके ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ स्टेप से आप सभी को पेंट करना है, ठीक है। कुछ स्टेप से एंड इरेजर पर क्लिक करके एंड कुछ इरेज कर लेना कुछ पार्ट ऐसे, एंड उसके बाद आप सभी को कुछ स्टेप से साइज को बढ़ा करके ऐसे लगा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अप कर देना है डन, ठीक है। अप कर देना डन, एंड उसके बाद आप सभी को फिर जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को उसी पीएनजी को दोबारा ले लेना है, एंड उसके बाद ऐड फोटो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद आप सभी को फिर इसका ना ह्यू चेंज करना है, ठीक है। तो उसको आपको ऑरेंज टोन में लाना है, ठीक है। तो उसको ऑरेंज टोन में लाने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को वहाँ से डन करना है पहले तो। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ इस तरीके से फेस के पास लाना है, यानी कि जैसे कि गाइस ऊपर से जो कलर गिर रहा है वो हमारे फेस के ऊपर तो गिरेगा ना, तो हमें वो दिखाने के लिए हम यहाँ पहले इरेजर टूल में चलेंगे, एंड ऐसे इन्वर्ट करके एंड हार्डनेस को कम करके ओपेसिटी को भी कम कर लेंगे, यहाँ पे हम साइज को बढ़ा लेंगे, एंड कुछ इस टाइप से हम नीचे की तरफ से ऐसे पेंट करेंगे। देखिए गाइस तो अब ये लग रहा है कि हाँ ऊपर से हमारे ऊपर ये गिर रहा है कलर, ठीक है। तो आप सभी कुछ इस टाइप से कर लेना है, एंड उसके बाद इतना कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, पहले तो इसकी थोड़ी सी मैं ओपोसिटी यहाँ पे कम कर दूंगा। एंड उसके बाद देखिए गाइस आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो पहले मैंने थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पे ये रह गया तो उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आप सभी को थोड़ा इसमें थोड़ा साइज बढ़ा के एंड हार्डनेस ओपोसिटी कम करके मैं थोड़ा सा और इस साइड को भी पेंट कर देता हूँ, ताकि जो लगे कि हाँ ऊपर से गिर रहा है हमारे फेस के ऊपर, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को अब यहाँ पे कर देना डन, ठीक है गाइस। तो एंड उसके बाद अब लास्ट टाइम आप सभी को एक बार और इस पीएनजी को लेना है, ताकि यार वो जो ब्लू वाला था कलर उसको भी लगाना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम इसको लगाएंगे अपने शोल्डर के पास, कुछ इस टाइप से जैसे कि आप सभी को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो आप सभी को कुछ ऐसे लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर यहाँ से उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इरेज कर लेना कुछ इतना एरिया, ठीक है। इतना एरिया इरेज कर लेना है इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फोटो को जूम करना है, तो थोड़ा एरिया जो यहाँ पे मेरा इरेज हो गया एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा पेंट कर लूँगा। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाकर थोड़ा इस एरिया को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ताकि जो मतलब कि ऊपर से जो गिर रहा है गाइस वो थोड़ा जंप कर रहा है, तो कुछ इस टाइप से दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आप सभी को बोला शोल्डर पर लगाने के लिए, तो थोड़ा सा एरिया मैं यहाँ पे पेंट मार देता हूँ, ताकि लगे कि हाँ पूरे में गिरा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे आप गाइस आप सभी को आगे क्या करना है आप सभी को मैं बताता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे इतना काम तो हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी ओपोसिटी की यहाँ पे कम कर लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देंगे। तो गाइस अब जो है आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जो है इसमें थोड़ा सा टूल्स में जाना है, एंड टूल्स में जाने के बाद फिर एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप कॉन्ट्रास्ट को जो है थोड़ा ऊपर की तरफ हम बढ़ा लेंगे, एंड उसके बाद जो सैचुरेशन है इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है उसकी वैसे ही सैचुरेशन कम है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे फोटो को कर लेंगे सेव, एंड इसमें हमें हल्की फुल्की कलर करेक्शन करनी है, जिससे कि अब हमारा मॉडल जो है पूरा बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेंगे, एंड गाइस लाइट रूम ऐप हमारा जब तक ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन
से मिलता है। और यार मैं रात को 12 बजे आप सभी के लिए वीडियो बना रहा था, आप सोच सकते हो यार मेरे को कितना मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं अगर कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमें लाइट वाला ऑप्शन पे जाकर एक्सपोजर को बढ़ा देना है, एंड हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है, एंड उसके बाद जो शेडो है जिसको कम कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को व्हाइट को बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी आप सभी को थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, उसके बाद जो है वाइब्रेशन को आप सभी को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना कलर्स में, एंड उसके बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद रेड कलर को लेना है, एंड चाहो तो उसका जो रेड कलर हमारे ऊपर से गिर रहा है इसका ह्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको प्लस में रखेंगे, एंड सैचुरेशन को प्लस में, एंड ब्लू कलर लेंगे, एंड इसका भी सैचुरेशन को हम ह्यू को जो चेंज कर सकते हैं, तो हम इस सैचुरेशन को प्लस में रखेंगे, एंड यहाँ पे डन कर देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स के नीचे वाले टूल पे, फोटो की जो क्लियरिटी है हम इसको इंक्रीज कर देंगे, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो तो हमें डालनी है। ठीक है, तो फोटो में विग्नेट डालेंगे, एंड उसके बाद हम जो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे ग्रेन अमाउंट है इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में शार्पनेस को बढ़ा देंगे, एंड जो नॉइज रिडक्शन है हम इसको भी बढ़ा देंगे, एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन है हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी फोटो जो है आप सभी के सामने इसका रिजल्ट दिख चुका है, तो आप सभी देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा हूँ। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर देना है, और यार अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। एंड हाँ गाइस मैंने आप सभी के लिए एंड स्क्रीन में 2 वीडियो लगा रखी है, तो आप चाहो तो यार इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हो, जोन से आपको बेस्ट लग रही हो इन दोनों में से तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको और कोई वीडियोज़ देखनी है मेरे चैनल की, तो आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करके मेरे चैनल पर जाके और कोई वीडियो भी देख सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।